ये क्या है? गौर से देखिए, ये है बई रोटी। मैं बई रोटी अंडा भुर्जी बनाऊंगा। क्या करना है सबसे पहले? हेलो जी, गैस ऑन, और इसमें डालेंगे तेल। बढ़िया, ग्राउंडनट ऑयल यूज कर रहा हूं मैं। तेल में डालेंगे बढ़िया जीरा। अब जीरा तो बढ़िया ही होता है। ये जो तीन चार रोटियां हैं ना पुरानी वाली, ये लो इनको टेयर अपार्ट। ठीक है जी, ये लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों। कुछ नहीं करना, ये आपके समस्या का समाधान। हम बनाएंगे बढ़िया रेसिपी। और एक नजर उधर भी, जीरा मुझे बुला रहा है और मैं आ रहा हूं। जीरा भाई साहब, ये देखिए करी पत्ता डाल देते हैं इसमें। ओहो हो हो, करी पत्ता डालते ही पता नहीं गुस्सा क्यों हो जाते हैं लोग। ये लीजिए, ये अदगर, करी लीफ, अदगर, फ्लेवर बढ़िया हो जाएगा। और अब इसमें एलो, ब्रीक प्याज जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, एलो जी ब्रीक प्याज जो है, और ब्रीक प्याज में थोड़े से मसाले भी डालेंगे। लेकिन पहले प्याज को हल्का सा भूनेंगे। ये प्याज जो है हल्के से जब गुलाबी हो जाएंगे ना, तो रोटी के जो मैंने पीसेस किए थे फिर वो डालेंगे। अब ये जैसे गुलाबी हो गए ये रोटी के पीसेस, साथ में भूनेंगे अब, ताकि रोटी के जो पीसेस हैं वो भी थोड़े से क्रिस्प हो जाए। अब ये देखिए, ये चीज है ना इंटरेस्टिंग, कि आपने जरा सा फॉर्म बदल दिया, घर पे एक नई डिश बन जाएगी। थोड़ा सा भूनेंगे इसे, इसमें थोड़े से मसाले डाल लेता हूं मैं। और मसालों में लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, और हल्दी पाउडर एक चौथाई छोटा चम्मच, ये डाल लिया। और इसमें ये मेरे पास कुछ कटी हुई मिर्चें हैं हरी, ये भी डाल लेते हैं। ये लीजिए एक या दो कटी हुई हरी मिर्चें। अब एनर्जी का पिटारा खुल गया। जितने नन्हे कलाकार हैं, सब लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, चलिए मिल के शुरू हो जाते हैं। ओ जी नमक शमक, नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक। अब देखिए रोटी कहीं कहीं पे क्रिस्प हो गई है, बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजों को फैला देते हैं और धीरे कर लेते हैं गैस को। तीन चार अंडे ले ले, हाँ चलिए तीन अंडे चार अंडे ले लेते, परिवार के लिए काफी है। ये एक दो, ये चार, हरा धनिया, हेलो जी हरा धनिया, ये डाल लेते हैं इसके ऊपर, मजेदार। अब क्या करेंगे, जो नीचे से रोटी है ना, जो लेयर लगा हुआ है नीचे, बढ़िया क्रंची हो गया होगा, मस्त क्रिस्प पापड़ जैसा। और ऊपर अब ये अंडा जो है ये बिल्कुल तैयार हो गया है। एग वाइट जो है वो थोड़ा थोड़ा तो पक गया है, लेकिन एग योक पकना बाकी है। अब मैं क्या करूंगा, सारा मिक्स कर लेता हूं। और ये लीजिए, क्या बात है, तैयार और परोसने के लिए। हेलो जी, गर्मा गर्म, क्या बात है। अब ये तो तैयार हो गई डिश। अगर बुजुर्गों को खानी वैसे ही खा सकते हैं, और अगर बच्चों को खानी तो क्या करेंगे, ग्रेटर लीजिए, चीज लीजिए, उनकी मनपसंद चीज। ये लीजिए, थोड़ी सी डालिए, बस इतनी सी काफी है, क्योंकि उनमें एक्साइटमेंट आना चाहिए कि ये जो चीज बनी है बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन फॉर्म बदलते ही डिश का मजा दुगना हो गया, ये बात पक्की है। रोटी अंडा भुर्जी, इसे बनाने के लिए तैयार रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके अलग से रखें।
एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम करें। इसमें जीरा डालकर खुशबू आने तक भून ले। करी पत्ता और अदरक डालकर आधे मिनट तक भून ले। प्याज डालकर हल्का भुने। रोटी के टुकड़े डालकर एक से दो मिनट तक भून ले। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हरी मिर्चें और नमक डालकर मिला ले। आंच धीमी करें। पैन में अंडे तोड़कर डाले। हरा धनिया डालकर लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाए। सर्विंग प्लेट पर निकाल ले। कसा हुआ चीज डालकर गर्मा गर्म सर्व करें।